अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आइए आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण बेस्ट व्लॉग्स नैनीताल में। और देखें तो आज सुबह सुबह के समय, तो अभी 7:30 बजे के आसपास का समय हुआ है और मैं हूँ अभी बलिताल फ्लैट्स में। और आप यहाँ पे देखें मेरे पीछे नैनीताल की कार पार्किंग है, जो कि फ्लैट्स में पार्किंग है, और द PFME स्टोर है पीछे की तरफ। और सुबह सुबह आप देखें तो बहुत ही शानदार धूप यहाँ पे खिली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और ऐसे ही आगे तक देखते रहिए मेरा जो कि आज का वीडियो है। और चलिए देखते हैं नैनीताल में क्या कुछ चल रहा है, और मैं भी कंटिन्यू करता हूँ अपनी मॉर्निंग वॉक में। तो आइए चलिए, और मलिताल फ्लैट्स में देखें तो बच्चे यहाँ पे क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इधर की तरफ देखें तो यहाँ पर कुछ बच्चे फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी इधर की तरफ सनशाइन नहीं आया है, तो ये देखें यहाँ की तरफ तो शेडोज़ है, तो अभी सनराइज़ हुआ है, तो बहुत ही सुंदर यहाँ से दृश्य है। और ये बच्चे सारे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये देखें तो अभी बच्चे का बॉल आ गया था इधर, तो मैं इसको जस्ट वापस करने का प्रयास कर रहा था, तो बहुत टाइम हो गया फुटबॉल खेले हुए। तो ये देखें, और यहाँ से ये DSC का फ्लैट है, और सामने ही देखें तो जामा मस्जिद है, और इसके जो बैक में हाईएस्ट माउंटेन है यहाँ पे नैनी पिक। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ, और आइए इधर की तरफ है मलिताल गुरुद्वारा साहिब और श्री माँ नैना देवी टेम्पल। तो आइए चलते हैं सबसे पहले मंदिर में और कराता हूँ आपको दर्शन। तो आइए पहुँच गए हैं मलिताल गुरुद्वारा सिंह साहिब के सामने, और यहाँ देखें तो सफाई चल रही है सुबह सुबह शहर में हर जगह। और ये देखें तो सामने ही तिब्बतन मार्केट और चाट पार्क भोटिया मार्केट का ये एरिया है। तो आइए अभी हैं मलिताल गुरुद्वारा साहिब के सामने, और यहाँ अरदास चल रही है। आइए व्यूवर्स, और अभी हैं श्री माँ नैना देवी मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार में, और देखे तो आजकल नवरात्र चल रहे हैं, और कल से नवरात्र शुरू हो गए थे जो कि 22 मार्च से, और आज द्वितीय नवरात्र है। और आप सभी श्रोताओं को द्वितीय नवरात्र श्री माँ ब्रह्मचारिणी जी की और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो कि कल हमारा हिंदू का न्यू ईयर्स भी स्टार्ट हुआ था, तो कल तो आपको वेरी हैप्पी बिलेटेड नया साल। और तो आइए मैं आपको सबसे पहले श्री हनुमान जी के दर्शन कराता हूँ, और उसके बाद देखेंगे मंदिर प्रांगण में कितने भक्त श्रद्धालु आज के दिन उपस्थित हैं। तो आइए कीजिए हनुमान जी के दर्शन, और अभी इस समय थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है ज़रूर, क्योंकि अभी सनराइज़ हुआ है। तो आइए कीजिए श्री माँ नैना देवी जी के दर्शन। तो देखे तो आज माता के प्रांगण में इतने भक्त श्रद्धालु यहाँ पे सुबह सुबह उपस्थित हैं, और ये है माता जी का मुख्य मंदिर तो सामने। और इधर की तरफ देखे तो यहाँ जूती चप्पल उतारने का स्थान है, और यहाँ देखें सामने भगवान श्री भोलेनाथ जी का शिवलिंग स्थित है। और देखिए सनशाइन पड़ रहा है काफ़ी तेज, और नैनी झील का सारा एरिया है। आइए अभी हैं ठंडी सड़क बोट स्टैंड की तरफ, तो देखें तो काफ़ी ही अच्छी धूप खिली है आज के दिन, और आसमान में बादलों का नामोनिशान नहीं है। तो आइए मैं आपको यहाँ से श्री माँ नैना देवी जी के मंदिर का बहुत ही सुंदर एक दृश्य दिखाता हूँ। तो ये सामने देखें तो ये श्री माँ नैना देवी जी का मंदिर है, और जहाँ से हम अभी आ रहे हैं आपको मैंने दर्शन कराए थे। तो ये देखें, और आइए नैनी झील देखते हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह का सनशाइन क्या ही शानदार लगता है।
दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखें तो ये काफ़ी शानदार व्यू है और सामने ही ठंडी सड़क है। और आइए कंटिन्यू करता हूँ मैं अपनी मॉर्निंग वॉक पे और दिखाता हूँ आपको क्या क्या व्यूज़ हैं रास्ते से। तो ऐसे ही बने रही वीडियो में। और यहाँ से देखें तो तिब्बतन प्रेयर फ्लैग्स काफ़ी ही शानदार यहाँ से नज़र आ रहे हैं। और ये देखें तो बहुत ही सुंदर इनका नज़ारा है। और सुबह सुबह की जो कि पहली सूर्य की किरणें इनमें पड़ रही है, ये और भी कलरफुल इनको बना रही है। तो ऐसा कुछ है अभी का व्यू। और आजकल देखें तो पेड़ों के कलर भी यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। और जो अभी कुछ दिन पहले की जो कि ओलावृष्टि और बारिश हुई थी तो उनसे ये कलर और भी धुल के निखर के आ रहे हैं। तो आइए, और हम हैं अभी ठंडी सड़क में, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और आइए, हम इस जगह पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे शानदार जो कि रोइंग बोट्स लाइन से लगी हैं। और देखें तो सुबह सुबह जो कि प्रशिक्षण चल रहा है, और ये देखें कयाकिंग भी चल रही है साथ के साथ। और बड़ा ही शानदार यहाँ से व्यू है। और ये देखें, ये है नैनी झील और सामने ही यहाँ पे बोट, सारी रोइंग बोट्स कतार से लगी है। और ये देखें तो ये ठंडी सड़क का एरिया है। और हम कंटिन्यू करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। आपके मन में ज़रूर जिज्ञासा होगी कि नैनी झील में जो कि एरेशन प्लांट लगे हैं तो वो लेक के लिए क्या बेनिफिट करते हैं। तो ये देखें तो ये लेक ऊपर का ये स्ट्रक्चर है। और ये वीडियो मैं स्पेशली बच्चों के लिए और सभी जो कि इंटरेस्टेड पर्सन हैं उनके लिए बना रहा हूँ, थोड़ी सी क्लिप। तो ये पढ़ें तो लेक बिफोर एरेशन है, और यहाँ नीचे देखें तो लेक आफ्टर एरेशन है। तो ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। तो एक एक करके पढ़ के तो नहीं सुनाऊंगा, तो आप लोग कृपया पढ़ें और इसे समझें कि नैनी झील में जो कि एरेशन है वो किसे लगा है। तो ऐसा कुछ है। ठंडी सड़क देखें यहाँ से तो मलिताल का बहुत ही शानदार नज़ारा है। तो ये देखें यहाँ से, और सुबह सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, तो कुछ समय के लिए जो कि इस एरिया में देखें काफ़ी बर्ड्स की स्पीशीज़ यहाँ पे एक्टिव रहती हैं मॉर्निंग में। तो अगर कोई फोटोग्राफी करने में इंटरेस्टेड है तो यहाँ से देखें तो ये पूरा ही, एक तो पास में ही जो कि नैनीताल का ये एरिया है, ये पूरा नैना देवी बर्ड कंजर्वेशन सेंचुरी जो कि अभी से बना दिया गया है, तो कुछ बहुत साल पहले। तो आप विकिपीडिया में या गूगल कर सकते हैं, तो नैना देवी हिमालयन बर्ड सेंचुरी करके जो कि एरिया है, पंगुत साइट को बोला जाता है। तो जैसा कि बर्ड्स देखिए, कोई सेंचुरी है या बर्ड्स के जो कि एरिया है, तो वो बर्ड्स हैं वो फ्री रहती हैं। तो अभी देखें तो इस समय भी देखने पर बात होती है, तो यहाँ से आप काफ़ी नॉइज़ सुन सकते हैं जो कि, और संभवतः ही जो कि बर्ड सेंचुरी है वहाँ से सारी बर्ड्स यहाँ भी घूमती हैं और आप यहाँ सुबह सुबह इनको देख सकते हैं। तो ऐसा कुछ है। तो आजकल के दिनों में देखें तो पेड़ों के काफ़ी ही सुंदर कलर देखने को मिल रहे हैं। तो आइए, पहुंच गए हैं हम सर्कुलर एरिया, ठंडी सड़क। तो ये इसका कोई ऑफिशियल नेम नहीं है, सर्कुलर एरिया, तो जस्ट ये राउंड है, सर्कल में है, तो मैं इसे सर्कुलर एरिया बोलना पसंद करता हूँ। तो आइए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं यहाँ से कैसा है व्यू। और ये बेस्ट प्लेस है मॉर्निंग में योगा मेडिटेशन एक्सरसाइज वगैरह करने को।
और यहाँ पे काफ़ी ही सारे जो कि लोकल लोग हैं और वो आते हैं, या जो कि टूरिज्म से बाहर से लोग आते हैं, तो सुबह यहाँ पे प्राणायाम और मॉर्निंग वॉक योगा में इधर इस एरिया में आते हैं। और यहाँ से देखा तो बहुत ही शानदार व्यू है। तो देखिए जो मैं बात कर रहा था, मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, तो आजकल जो कि नैनीताल में और पूरे उत्तराखंड में ही ये देखें वृक्षों के कलर जो कि बहुत ही निखार के आ रहे हैं, और जो कि अभी बारिश हुई थी इन्होंने इसे और भी निखार के बहुत सुंदर बना दिया कलर। तो ये देखें सामने ही मेरे बगल में ही बहुत ही शानदार अलग अलग डिफरेंट कलर्स हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मॉर्निंग वॉक में। तो आइए व्यूअर्स, समाप्त करते हैं आज का वीडियो यहीं पे, और आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे ही देखते रहिए मेरे वीडियोस, और आइए बहुत जल्द मिलूँगा अपने नए वीडियो में। और तब तक आप लोग देखते रहिए ऐसी वीडियोस, और आप लोग सभी अपना ध्यान रखिए।